अब हम कुछ रूल्स ऑफ माइंड को समझते हैं कि माइंड के रूल्स को ऑबे करता है, कैसे वो एक्टिव रहता है। सबसे पहला रूल है कि माइंड कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू पिक्चर्स। माइंड कुछ भी सुनता है, समझता है, उनको पिक्चर्स में स्टोर करता है, इसीलिए वो हां और नहीं में डिफरेंस नहीं जानता है। आप किसी भी चीज को बोलिए कि मैं आपको बोलता हूं कि काला हाथी नहीं देखिए, उसकी पिक्चर बनाइए, तो क्या पिक्चर बनेगी? ऑफ कोर्स काला हाथी की पिक्चर बनेगी। लाल गुलाब नहीं देखिए, इसकी पिक्चर बनाइए, तो ऑफ कोर्स लाल गुलाब की पिक्चर बनेगी। तो माइंड हमारा हां और नहीं में डिफरेंस नहीं जानता है, वो नहीं की कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। आप जो चीज नहीं बोलेंगे तो भी उसकी पिक्चर पॉजिटिव ही बनेगी उसके अंदर, इसीलिए हमें पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव लाइंस को बनाना है। हम ऐसा कहीं नहीं बोलेंगे कि अब ये दर्द मेरे शरीर में नहीं है। माइंड खाली एक वर्ड उसमें फीलिंग वाला पिक करता है और उसकी पिक्चर बनाता है। तो इस लाइन में फीलिंग क्या है? दर्द। वो दर्द की पिक्चर बनाएगा और दर्द बढ़ता चला जाएगा। इसकी जगह हम बोलेंगे कि अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मेरे घुटने स्वस्थ हो चुके हैं, मेरे शोल्डर स्वस्थ हो चुके हैं, मेरा लीवर स्वस्थ हो चुका है। बहुत इजी वर्ड, स्वस्थ एक बहुत इजी वर्ड है, बहुत हाईफाई टर्म यूज नहीं करनी है। फिर अगेन याद रखिए कि 4-5 साल का बच्चा है, तो बहुत इजीली उसे समझाना है। तो पिक्चर्स में स्टोर करता है, फाइल्स बनाता है उसकी। हम फाइल्स का भी समझेंगे कि फाइल्स कैसे बनती है और कैसे कन्वर्ट होती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। पूरा हिप्नोसिस का बेस, सब हीलिंग का बेस ये एक लाइन है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं जानता है। जो कुछ वो इमेजिन करता है, जो कुछ वो बिलीव करता है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इमेजिन करना है। अच्छा, इमेजिनेशन क्या है? बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो विजुलाइज नहीं कर सकता हूं, तो कैसे इमेजिन करूंगा? नहीं, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। कोई विजुलाइजेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ सुन के पिक्चर्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, और कुछ किनेस्थेटिक होते हैं, स्मेल करके फीड करते हैं, टेस्ट करके फीड करते हैं, फील करके, स्किन के द्वारा फील करके उसे फीड करते हैं। तो तीन तरह की पर्सनैलिटीज हम मोस्टली मानते हैं, ऑडिटरी, विजुलेटरी एंड किनेस्थेटिक। तो ये भी आपको भी डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। और टाइम मिला तो मैं समझाऊंगा भी आपको कैसे नोट करेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी कैसी है। एक ऑडिटरी पर्सन है, उसको विजुलाइज करने को बोलिए कि देखिए बादल आपके आगे चल रहे हैं, हल्की हल्की किरणें सूरज की हैं, लाल गुलाब हैं उस पार्क में, बहुत सारे फल फूल लगे हुए हैं, पक्षियों की आवाजें हैं, ठंडी ठंडी हवा। वो विजुलाइज नहीं कर पाएगा। उसको आप ऑडिटरी लैंग्वेज बनाएंगे कि मैं जब बोलूंगा कि आप फूल देख रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि आपके सामने फूल है। मैं जब कहूंगा कि बादल चल रहे हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा उन बातों को सुन के कि आपके आपके आसपास बादल से हैं। उनको सुनने की बातें बोलनी पड़ेंगी आपको। जो फील करते हैं तो उन्हें फील कराने पड़ेंगे, फील कीजिए कि आपके आसपास बादल चल रहे हैं, फील कीजिए कि ठंडी हवाएं हैं। उनको फील कराकर आपको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, फील करके आपको अंदर डालना पड़ेगा। तो तीनों पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज करेंगे। तो विजुलाइजेशन खाली जरूरी नहीं है, सारी सेंसेस को जितना इन्वॉल्व करेंगे उतनी इमेजिनेशन अच्छी होगी, उतनी इमेजिनेशन पावरफुल होगी, उतनी इंपॉर्टेंट वो फाइल बनेगी। उसके बाद हम आते हैं द पर्सन टेंड्स टू रियलाइज व्हाट एवर इट एक्सपेक्ट्स। जो कुछ वो एक्सपेक्ट करता है उसको वो रियलाइज करता है, माइंड उसे रियलाइज कराता है वो चीज को। अब हम एक्सपेक्ट बहुत सारी चीजें करते हैं। बचपन में किसी ने बोल दिया है कि बेटा बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है,
बेटा पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, जब टेंथ में आओगे आगे बढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कितना मुश्किल है पढ़ाई करना। तो बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमसे या हम अपने आप से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, उसका रियलाइजेशन हमारा माइंड हमें कराता है। ये थेरेपी पर्पस में आप बहुत देखेंगे। उसके बाद एवरी थॉट और इमोशन हैज साइकोसोमेटिक बेसिस, हर थॉट का एक साइकोसोमेटिक कॉज होता है। हम देखेंगे कि अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग थॉट्स लायबल है, तो उनको भी हमें समझना पड़ेगा कि किस थॉट के कारण कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं और कैसे उसको थॉट को रिलीज करके एक पॉजिटिव थॉट इंसर्ट करा जाए और उससे ठीक करा जाए। उसके बाद एन आइडिया प्रोग्राम इनटू द सबकॉन्शियस रिमेन देयर अंटिल रिप्लेस्ड बाय अनदर आइडिया। एक फाइल जो बनी हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको उस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, उस फाइल में चेंज कराना पड़ेगा। आप उस फाइल को छोड़कर दूसरी फाइल उसी थॉट को लेकर नहीं बना सकते हैं। कोई सिगरेट पीता है तो उसकी सिगरेट की आदत किस वजह से जुड़ी हुई है, उस फाइल को, उसकी पॉजिटिव इंटेंशंस को, उसके जितने 20 साल के उसके अच्छा लगना है सिगरेट पीना, उस सबको डिलीट करना पड़ेगा उस फाइल से, तब आप दूसरी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे थॉट्स इंसर्ट करते रहे कि नहीं आपको सिगरेट छोड़ना ही है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, तो वो फाइल नहीं बनेगी। एक इंपॉर्टेंट टूल है माइंड का। उसके बाद द लेस द कॉन्शियस एफर्ट द मोर द सबकॉन्शियस माइंड रेस्पॉन्स। जितना कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा उतना सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। कॉन्शियस माइंड 10% है, 90%, बहुत सारी स्टडीज है कि 90% सबकॉन्शियस माइंड है इन द वे ऑफ पावर्स। ऐसा नहीं कि वो छोटा है ये बहुत बड़ा है, दोनों लोब्स लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन इन द पावर्स कोई 5% 95% बोलता है, कोई 12% 88% बोलता है, कोई बोलता है कि हम अपने माइंड का यूज ही नहीं कर पाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का 1% भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब स्टडीज इसलिए हैं कि हम कॉन्शियस ब्रेन को ज्यादा एक्टिव रखते हैं, इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता है। हम अपने लॉजिक्स की दुनिया में लगे रहते हैं इसलिए वो सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क नहीं करता है। हम बहुत एक्टिव रहते हैं इसलिए वो वर्क नहीं करता है। जो कुछ पावर उसके पास है, यूनिवर्स से वो लिंक्ड है, यूनिवर्स से कोई भी चीज वो लाकर हमें दे सकता है, तो जितना हो सके हमें कॉन्शियस ब्रेन का कम यूज करना है, तब जाके हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क करेगा। जब वो सीट छोड़ेगा तभी वो सीट पकड़ेगा, यही हिप्नोसिस का बेस है। हमें सीट को चेंज कराना है, कॉन्शियस ब्रेन को सीट छोड़कर मजबूर कर देना है कि वो अपनी सीट छोड़ दे और सबकॉन्शियस ब्रेन उस सीट को ले। पूरा हिप्नोसिस इसी पे डिपेंडेंट है। ईच एक्सेप्टेड सजेशंस अलाउ ईजियर एक्सेप्टेंस ऑफ फर्दर सजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर माइंड ने एक सजेशन को फॉलो कर लिया तो सेकंड सजेशन को उससे इजी वे में फॉलो करेगा, थर्ड सजेशन को उससे इजी वे में फॉलो करेगा, और ऐसे ही फॉलोइंग ऑफ सजेशंस में इजीनेस बढ़ती चली जाएगी। इसी का हम यूज करते हैं हिप्नोसिस में, फॉलोइंग ऑफ सजेशंस लगाते हैं। एक सजेशन जैसे उसने फॉलो कर दी दूसरी लगाते हैं, दूसरी जैसे फॉलो कर दी तीसरी लगाते हैं, और इस माइंड के रूल का यूज करते हैं, बड़ी से बड़ी सजेशन सब करते चले जाएंगे और वो फॉलो करता चला जाएगा। इस रूल को अपने माइंड में डाल दीजिए बहुत अच्छी तरीके से। फॉलोइंग ऑफ सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस में। हमको सजेशंस को फॉलो कराते चला जाना है। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे कि वो हमारी सजेशंस को कैसे फॉलो करता है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसे कन्विंस करेंगे, उसे दो चार सजेशन को फॉलो अप कराएंगे, वो सब टेक्निक सिखाएंगे, दो तीन सजेस्टिबिलिटी टेस्ट पे लेकर आएंगे, फॉलोइंग ऑफ सजेशंस उसके साथ करते चले जाएंगे और उसके बाद बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते चले जाएंगे। उसके बाद आता है द बॉडी प्रोड्यूस द माइंड बिलीव्स। बॉडी वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है जिसको माइंड बिलीव करता है।
अगर आपने बिलीव कर दिया कि 40 के बाद हो सकता है मुझे डायबिटीज हो जाए, 40 के बाद हो सकता है मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ले आएगा। माइंड कैन क्योर ऑल व्हाट इट हैज इन्फ्लुएंस फॉर। माइंड उन सब चीजों को क्योर कर सकता है जिसका अंदर उसका इन्फ्लुएंस हो। तो लगभग पूरी बॉडी, पूरी हमारी लाइफ, पूरा हमारा बिजनेस, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं लाइफ के, वो सभी इन्फ्लुएंस में आते हैं माइंड के। तो हम उन सबको क्योर कर सकते हैं। ऑपोजिंग आइडियाज कांट बी हेल्ड एट वन सेम टाइम। दो तरह के ऑपोजिट आइडिया एक साथ माइंड में नहीं रह सकते हैं। आप किसी से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अब आपको डिसाइड करना है कि सिगरेट पीनी भी है कि नहीं पीनी है। दो आइडियाज, अब आपको देखना है कि आपको इस दर्द से मुक्त होना है कि नहीं होना है। तो ऑपोजिट आइडियाज साथ में नहीं रहेंगे। आपको कहना है कि अब आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको इस डिस्कम्फर्ट से मुक्त होना है, आपको स्वस्थ होना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस हैबिट को छोड़ना है। अब आपको पक्का होना है कि आपको इस हैबिट से मुक्त होना है। तो थॉट्स विरोधाभासी थॉट्स नहीं देंगे। एक थॉट पे ही हम कंटिन्यूसली लगे रहेंगे और उसको सजेशंस देते रहेंगे। थैंक यू।